वेल, मलाइका अरोड़ा के अरबाज खान से डिवोर्स के बाद अब शादी की खबरें रोज रोज आने लगी हैं, जहां इस बात को उनके पोस्ट और कुछ बॉलीवुड के उनके चहेते को एक्टर्स कंफर्म करते नजर आ रहे हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मलाइका किस तरीके से अर्जुन कपूर के साथ आजकल सोशली दिखाई देने लगी हैं, चाहे वो कोई शो को जज करना हो या फिर मलाइका को उनके हाथों से पकड़कर स्टेज से लेकर जाना। अर्जुन ये सब सोशली कर चुके हैं। हाल में ही मलाइका ने अर्जुन के हैलोवीन पिक्चर पर भी एक बर्निंग इमोजी डाली थी, जिससे बातें और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद मलाइका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी अर्जुन और मलाइका मिलान में मिले थे और हाल में ही ये एक पार्टी में भी साथ दिखाई दिए। इन सब से हटकर बात करें तो एक और बात जहां देखने लायक है, करण जौहर ने ये न्यूज खुद कंफर्म कर दी है। यस, यू आर हियरिंग अस राइट। करण जौहर, जो कि मलाइका अरोड़ा खान के कुछ शोज में कुलीग रहे हैं और मलाइका को अपना बेहद ही अच्छा फ्रेंड भी मानते हैं, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि मलाइका जल्द ही शादी करने वाली हैं। वेल, अब आपको पूरा इंसिडेंट भी बता दें, ये सब हुआ करण जौहर के चैट शो के दौरान, जहां करण आमिर खान के साथ ये गेम खेल रहे थे और एक शो के एक पार्ट के दौरान मलाइका इस शो को ज्वाइन करती हैं। मलाइका को वेलकम करते हुए करण जौहर और आमिर खान दोनों उनके हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज तक लाते हैं, जहां मलाइका दोनों को इस बात के लिए बहुत ही हम्बल करार देती हैं। करण जौहर उन्हें कहते हैं कि जिस तरीके से वो उन्हें वहां से स्टेज तक लेकर आए हैं, मलाइका उसी तरह आयल में भी जल्द ही चलती हुई लोगों को नजर आएंगी। आयल में अपनी शादी के लिए जल्द ही चलती हुई नजर आएंगी। इससे क्या करण जौहर ने जस्ट हमें कंफर्म किया कि मलाइका जल्द ही शादी करने वाली हैं। करण को पता है कि मीडिया को भी ये खबरें मालूम हैं और ये खबरें ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकते। हमने हाल में ही करण को मलाइका को इस बारे में एक और बार टीज करते हुए देखा था, जहां करण मलाइका से पूछते हैं कि उन्होंने अपना बर्थडे किसके साथ मनाया, तो मलाइका ने कहा कि ये क्वेश्चन उनके लिए बेहद ही बर्निंग है। वेल, ये बर्निंग और हॉटनेस की साइंस के साथ ये शाइनेस दाल में काला तो कुछ जरूर है। देखना होगा कि मलाइका ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करती हैं। फिलहाल रिश्ता टीवी का मैं इतना ही। अपने फेवरेट सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और फिलहाल दें इस वीडियो को थम्स अप।